तो गाइस गए तो थे पूजनीय श्री अनुराधाचार्य जी का दर्शन करने, लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पर इतनी पब्लिसिटी हो चुकी थी और 26 जनवरी थी, इस वजह से भी बहुत सारी पब्लिसिटी नहीं होने दे रहे थे और भीड़ भी इतनी थी कि रोड पर भीड़ उतर चुकी थी, इतना जाम लग गया था, जाम लग गया था बिल्कुल सड़क पे। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं गाड़ी भी। निकल पा रही थी जिसकी एंट्री होनी थी वहाँ पर ही जाके हमें पता लगा था, जिसकी एंट्री होनी थी वो 12 बजे से पहले हो चुकी थी। अब 12 बजे के बाद जितने भी दर्शनार्थी गए वो सारे के सारे बाहर खड़े रहे थे, जिससे इतना जाम लग चुका था। लोगों को बोला जा रहा था कि आप अपने घर पे जाके देखो, ऑनलाइन जाके देखो, उनके चैनल पे यूट्यूब पे जाके देखो, ताकि वहाँ से भीड़ खत्म हो जाए क्योंकि जाम इतना लग चुका था। लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, टीवी पे या मोबाइल पे तो हर कोई देखता ही है, हर किसी को लगता है कि क्यों ना सामने से दर्शन किए जाए, लेकिन ऐसा आज बिल्कुल नहीं हो पाया। संडे भी था, बहुत से लोग आए, बहुत दूर दूर से आए, लेकिन सब वापस चले गए, इसीलिए क्योंकि भीड़ बहुत उमड़ चुकी थी और 26 जनवरी थी, इसीलिए 26 जनवरी मतलब आने वाली है, इस वजह से। पर मेरा मानना ये भी है, अगर आपने अच्छी जो जगह, जिस जगह आप आए थे या आप इतनी बड़ी हस्ती हो, अब आपके यूट्यूब पर कम से कम 10 मिलियन 1 करोड़ सब्सक्राइबर यानी कि आपके भक्त हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको एक बड़ी सी जगह ढूंढनी चाहिए थी, ताकि लोग इतनी दूर दूर से आए थे ना, बहुत दूर दूर से लोग आए और बाहर से ही चले गए। हमारी उनसे बात हुई तो वो ये भी कह रहे थे आप इतने बड़े होकर भी कम से कम जगह तो देख लेते, हम इतनी दूर से आने के बाद भी हमें वापस लौट के जाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ मेरे को भी थोड़ी सी लगी कि यार आप के हमें देखने का मौका नहीं मिला, हम इतने दूर से आते हैं, लोग इतने दूर से आते हैं देखने के लिए, हम लोगों को इतना मौका तो नहीं मिल पाता। अब मथुरा जाने के लिए किसी की, कोई सर्विसमैन होता है, कोई अपने घर के काम कर रहे होते हैं, तो नहीं इतना टाइम मिल पाता। अब टाइम मिला तो अब ये था कि हम वहाँ नहीं जा पाए। जो पब्लिक 12 बजे से पहले जिसका एंट्री हो चुकी थी, अंदर ग्राउंड में जा चुकी थी, बस उसी को एंट्री मिली थी। उसके बाद जितनी भी पब्लिक गई है किसी को एंट्री नहीं मिली, सबको वापस मिल गया। उसके बाद भी 2-3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, पर तो गाइस उन्होंने वहाँ पर यही सजेस्ट करा कि यार गाइस जो दर्शन करने जो भी आ रहे थे वो घर पर बैठकर ही ऑनलाइन देखे, क्योंकि भीड़ इतनी हो चुकी थी कि यहाँ पर या फिर वहाँ पर बार बार अनाउंस किया जा रहा था, वो या आप कथा यूट्यूब पे सुने या टीवी पे देखे, क्योंकि एक अपना भी भाव होता है यूट्यूब और टीवी पे तो हर कोई देखता है, एक सामने से भी कोई दर्शन करना चाहता है, तो उसी मन से हम भी गए थे कि हम सामने से देख सके, लेकिन शायद आज हमारे नसीब पता नहीं। देखिए कितने लोग बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े हैं तो बाहर ट्रैफिक जाम है, अंदर देखो ये जगह खाली है। अब पता नहीं पुलिस वाले किसके दबाव से काम कर रहे हैं, किसका षड्यंत्र है कि यहाँ लोगों का षड्यंत्र है कि कथा सुनने बहुत लोग आए तो लोग ईर्ष्या द्वेष के कारण कहने लगे अब कोई ना आए तो पुलिस प्रशासन। आप सोचिए कितनी ऊंची तरह से लोग जल ईर्ष्या कर रहे होंगे कि पूरी पुलिस फोर्स खड़ी करा दी, कोई अंदर ना आए। अब बताइए कथा सुनने भी लोग नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। दिल्ली जैसे स्वतंत्र भारत में भी आज देखिए। सो गाइस अब फाइनली वापस लौट के जा रहे हैं क्योंकि उत्तम नगर वेस्ट पे जो श्री अनुराधाचार्य जी आए हुए थे, तो इतनी पब्लिक सिटी है, इतनी ज़्यादा पब्लिक सिटी है कि वहाँ पर आपकी एंट्री नहीं हो सकती। और आप जहाँ भी हो, अगर आपका ऐसा प्लान है कि आपको भी जाना है वहाँ पर तो ना ही आए, कुछ तो पब्लिक सिटी ज़्यादा हो गई है और कुछ 26 जनवरी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है, इसीलिए किसी की एंट्री नहीं हो रही, बहुत पब्लिक आ रही है और वापस ही जा रही है बिना दर्शन के। और हम भी होके आए हैं, इसमें आपको एक क्लिप दिख जाएगी कि वहाँ पर कितनी भीड़ है।